साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई टिकट से रिलेटेड। आपको पता है कि 16 मई से जो स्टार्ट होने जा रहा है, 23 मई तक के 7 दिन के बीच में जो प्रोसेस रहेगा, 30,000 इंडियंस आने वाले हैं। इसमें सऊदी में कितनी फ्लाइट आने वाली हैं, कहां कहां उतरेगी, कौन से स्टेट में कितने बंदे आएंगे, क्या इसका शेड्यूल, क्या इसका टाइम है, इससे रिलेटेड हम इसमें बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं साथियों, आज की जो डेट है, आज 15 मई हो चुकी है, ठीक है, और 16 मई से स्टार्ट होने जा रहा है कि जो आगे आने वाले 7 दिन में सऊदी से रिलेटेड कितनी फ्लाइटें आने वाली हैं, क्या उनका प्रोसेस है, इससे रिलेटेड बात करूंगा। आपको सबको पता ही है साथियों, 30,000 बंदे 7 दिन में आने हैं, जिनमें सऊदी के कितने बंदे आने हैं, कितने फ्लाइट हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी बातें, उसका पूरा शेड्यूल बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, ताकि आपको पता लगे भाई आपके स्टेट में कौन सी फ्लाइट कब कब आने वाली है और वहाँ से कैसे आने वाली है। तो साथियों फर्स्ट में मैं बता दूं आपको, दमाम से जो फ्लाइट निकलेगी सऊदीया दमाम से, ये है केरला के लिए, ठीक है, केरला स्टेट के लिए है। कोची ये फ्लाइट लैंड करेगी, वहाँ से जो निकलने का टाइम है दमाम से वो है 12:45, और इंडिया जो कोची पहुँचेगी 20:30 में लैंड कर देगी। इसमें 137 यात्री फ्लाइट करेंगे एक साथ में, ठीक है साथियों। ये डेट मैं बता दूँ 19 मई, यानी आपकी 19 मई से स्टार्ट होगा इसमें, समझ गए। आगे नेक्स्ट फ्लाइट है 19 मई को, दूसरी फ्लाइट है वो है रियाद से, ये भी साथियों केरला से ही है, स्टेट केरला है, लेकिन ये उतरेगी कोचिकोड़े, कोई स्टेट जिला है केरला के अंदर, वहाँ के लिए फ्लाइट है 12:45 में ये रियाद से निकलेगी, और 20:30 में पहुँचेगी वहाँ कोचिकोड़े में, जिसकी 137 यात्री इसमें फ्लाइट करेंगे, एक साथ में इंडिया पहुंचेंगे। आगे साथियों फिर तीसरी फ्लाइट है 20 मई से दमाम के लिए, दमाम से जो फ्लाइट निकलेगी वो कर्नाटका के लिए है, और बेंगलुरु फ्लाइट लैंड करेगी बेंगलुरु एयरपोर्ट पे 12:30 में, वहाँ से फ्लाइट निकलेगी 19:45 में, ये बेंगलुरु पहुँच जाएगी। इसमें 137 यात्री लैंड करेंगे एक साथ में, 137 यात्री इसमें आएंगे। आगे साथियों फिर एक 20 मई की नेक्स्ट फ्लाइट है, जो है जद्दा से आंध्र प्रदेश के लिए, जद्दा से आंध्र प्रदेश निकलेगी, आंध्र प्रदेश में जिला है कोई विजयवाड़ा, वहाँ पे ये फ्लाइट लैंड करेगी, जिसमें 13:45 में वहाँ पे निकलेगी जद्दा से, और 21:45 में ये पहुँच जाएगी विजयवाड़ा। इसमें 137 यात्री एक साथ लैंड करेंगे, इंडिया पहुँचेंगे। नेक्स्ट फ्लाइट सर साथियों 20 मई की फिर एक फ़्लाइट है, ये निकलेगी रियाद से फ्लाइट है, केरला के लिए है, कन्नूर के लिए, कन्नूर हवाई अड्डे पे ये फ़्लाइट लैंड करेगी 12:45 में, ये फ़्लाइट निकलेगी, जो रात को 20:30 में ये फ़्लाइट पहुंच जाएगी। 137 यात्री इसमें फ़्लाइट करेंगे, 137 यात्री इंडिया पहुँचेंगे एक साथ में। नेक्स्ट फ्लाइट में बात करते हैं साथियों, 23 मई की जो फ़्लाइट है वो रियाद से फ़्लाइट है तेलंगाना हैदराबाद के लिए, तेलंगाना स्टेट है, हैदराबाद ये फ़्लाइट लैंड करेगी। इसमें 137 यात्री आएंगे, टाइम टेबल इसमें नहीं बताया गया है। आगे साथियों फ़्लाइट आएगी एक सऊदी अरबिया से 24 तारीख को, इसमें 137 यात्री आएंगे। दो फ्लाइटों का शेड्यूल और है 20 मई और 21 मई, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, इधर से नाम लिखे हैं, एक दो तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। 20 तारीख और 21 तारीख की भी फ्लाइट का शेड्यूल है, लेकिन इसमें पूरी बताया नहीं गया है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, यात्री संख्या इसमें लिखी है 137, इतना लिखा है। तो साथियों आप समझ गए होंगे, सऊदीया के लिए 7-8 फ्लाइट्स हैं, जिनमें कितने यात्री आने हैं आप देख लीजिए, लगभग मेरे हिसाब से 1500 के करीब आएंगे भाई, 7 दिन के दौरान इतने ही रिकवर होंगे। बाकी जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने अवेलेबल करवा दी, जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।